दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग गूगल कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको नॉर्मली हम जी बोर्ड कहते हैं, गूगल बोर्ड। तो आप लोग इसको कैसे अपने मोबाइल में सेटअप कर सकते हो, कैसे इसको इनेबल कर सकते हो, तो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जी बोर्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और इसको सेटअप कैसे कर सकते हो, कि आप लोगों की जो भी कीबोर्ड होगी आप लोग उसको जी बोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कि आप लोग जी बोर्ड से सभी कुछ टाइपिंग कर सको। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी आप लोगों का डिफ़ॉल्ट कंपनी होती है मोबाइल की, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक कीबोर्ड दे देती है, जिसका इंटरफेस और लुक इसका सही नहीं होता है, कोई फीचर नहीं मिलता है। इसके लिए आप लोग जी बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और उसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। तो सिंपल आप लोगों को अपने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में आके उसके बाद आप लोगों को जी बोर्ड यहाँ पर सर्च कर लेना है। जी बोर्ड सर्च कर लेने के बाद ये आप लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन दिखेगी, इस एप्लीकेशन को आप लोगों को सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। हम जैसा कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं तो यहाँ सिंपल ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेटअप करने को बताएगा। तो जो भी आप लोगों को सेटअप करना है, सिंपल आप लोगों को इनेबल इन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपनी है मोबाइल की, वो बहुत से कीबोर्ड दी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि हम सिंपल जी बोर्ड को इनेबल करें। तो आप लोगों को जी बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, सिंपल आप लोगों को इसको इनेबल पर क्लिक कर देना है सामने क्लिक करके। इसके बाद आप लोगों को ये दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप पे आप लोगों को अगेन सेलेक्ट इनपुट मेथड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे भी जी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जी बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे तो जो भी आप लोगों का कीबोर्ड होगा वो जी बोर्ड में इनेबल हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अब हम जो भी टाइपिंग करते हैं, जाके यहाँ टाइपिंग करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो भी हमारा पहले बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड दिया गया था मोबाइल कंपनी के द्वारा, ये अभी चेंज हो चुका है। अब ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस वाला जी बोर्ड गूगल बोर्ड आ चुका है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कैसे गूगल कीबोर्ड, जिसको जी बोर्ड कहा जाता है, आप लोग उसको कैसे इनेबल कर सकते हो अपने मोबाइल में, और आप लोग बहुत ही इजीली इस कीबोर्ड का आप लोग इस्तेमाल यूज़ में ला सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।